1833 में आज के दिन ब्रिटेन ने दक्षिण अटलांटिका के फॉकलैंड द्वीप पर कब्जा किया था। 1894 में आज के दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में पौष मेला का उद्घाटन किया। 1901 में आज के दिन शांति निकेतन में ब्रह्मचर्य आश्रम खुला था। आज के दिन 1911 में अमेरिका में डाक बचत बैंक का उद्घाटन हुआ। 1929 में आज के दिन महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिले। 1943 में आज के दिन टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण किया गया। आज के दिन 1956 में फ्रांस में एफिल टॉवर के ऊपरी हिस्से में आग लगने से नुकसान हुआ था। 1957 में आज के दिन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पहली बार बिजली घड़ी प्रदर्शित की गई। 1959 में आज के दिन अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया। 1968 में आज के दिन देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट मेनका का प्रक्षेपण किया गया था। 1974 में आज के दिन बर्मा में संविधान को अंगीकार किया गया। 1993 में आज के दिन अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को आधा करने पर सहमति जताई थी। साल 2000 में आज के दिन कलकत्ता का नाम आधिकारिक रूप से कोलकाता रखा गया। साल 2004 में आज के दिन मिस्र की विमानन कंपनी फ्लैश एयरलाइंस के बोइंग 737 विमान 604 के दुर्घटनाग्रस्त होने से उसमें सवार सभी 148 लोग मारे गए थे। साल 2005 में आज के दिन यूएसए ने तमिलनाडु में सुनामी पीड़ितों को साफ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 6.2 करोड़ रुपए की सहायता की घोषणा की थी। आज के दिन साल 2008 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15 सदस्यीय टीम में लीबिया, वियतनाम, क्रोएशिया, कोस्टा रिका और बुर्किना फासो का 5 नए अस्थायी सदस्यों के रूप में चयन किया गया।